उत्तर प्रदेश की सरकार विद्यार्थियों को देगी 1100 रुपए की छात्रवृत्ति। नमस्कार, मैं हूं रश्मि पांडे और आप देख रहे हैं हापुड़ हलचल। अगर आपने अभी तक ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज तुरंत कर लीजिए और बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि आपको मिलती रहे हर वो खबर जिसे जानना है आपके लिए बेहद जरूरी। उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से आर्थिक रूप से कमजोर छात्रों के लिए यूपी छात्रवृत्ति योजना शुरू की गई है। इस योजना के तहत छात्रों को 1100 रुपए की छात्रवृत्ति मिलेगी। इस योजना को शुरू करने का मकसद छात्रों को शिक्षा के लिए प्रोत्साहित करना है। इस योजना का लाभ उन छात्रों को दिया जाएगा जो कि उत्तर प्रदेश सरकार के परिषदीय विद्यालयों प्राइमरी और अपर प्राइमरी 1 से 8वीं में पढ़ाई कर रहे हैं। सरकार इन सभी छात्रों के अभिभावकों के बैंक खाते में छात्रवृत्ति की राशि को जमा कराएगी। यूपी छात्रवृत्ति योजना के माध्यम से कुल 1,80,00,000 विद्यार्थियों को होगा छात्रवृत्ति की राशि का प्रयोग। छात्रों के स्कूल ड्रेस, बैग आदि खरीदने के लिए किया जा सकेगा। इस रकम को निम्न भागों में बांटा गया है। 2 जोड़ी स्कूल ड्रेस 600 रुपए, स्वेटर के लिए 200 रुपए, जूते और मोजे के लिए 125 रुपए, स्कूल बैग के लिए 175 रुपए। उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से स्कूलों में अध्ययनरत छात्रों के लिए ड्रेस, बैग, जूते आदि पहले ही स्कूलों में उपलब्ध कराए जाते थे। कई बार इस प्रक्रिया में अनियमितता की खबरें सामने आती थी। कभी टेंडर में देरी तो कभी सामग्रियों की क्वालिटी से संबंधित कई अन्य समस्याएं देखने को मिलती थी। इस कारण से सरकार ने अब यूपी छात्रवृत्ति योजना के तहत 1100 रुपए की राशि सीधे छात्रों के अभिभावकों के बैंक अकाउंट में भेजने का फैसला किया है। उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से प्राइमरी और अपर प्राइमरी यानी 1ली से 8वीं कक्षा तक के छात्रों को दी जा रही छात्रवृत्ति के लिए आवेदन करने की जरूरत नहीं होगी। स्कूल स्वयं ही छात्रों से संबंधित जरूरी जानकारी को शिक्षा परिषद के पास भेजेगी। इसके बाद सरकार की ओर से छात्रों के अभिभावकों के खाते में छात्रवृत्ति की राशि पहुंच जाएगी। उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से प्राइमरी और अपर प्राइमरी के छात्रों के अलावा अन्य कक्षाओं के छात्रों को भी छात्रवृत्ति की सुविधा प्रदान की जाती है। सरकार इस प्री मैट्रिक स्कॉलरशिप और पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप इसे नाम देती है। इसके तहत 9वीं, 10वीं और इससे ऊपर की उच्च शिक्षा ग्रहण कर रहे छात्रों को छात्रवृत्ति की सुविधा दी जाती है। बहरहाल, इस पूरी खबर को लेकर आपका क्या कुछ कहना है, आप अपनी राय हमें कमेंट में दे सकते हैं। इसी तरह की खबरों से रूबरू होने के लिए आप देखते रहिए हापुड़ हलचल।